दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज 17 अगस्त को ब्रैंडन मैकुलम के प्रतिस्थापन के रूप में 2023 में आगामी सत्र के लिए टीम के मुख्य कोच के रूप में भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चंद्रकांत पंडित की नियुक्ति की घोषणा की। अब बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि वास्तव में चंद्रकांत पंडित कौन हैं। चंद्रकांत पंडित बॉम्बे में जन्मे क्रिकेटर हैं जो 1986 और 1992 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले। वह अपने खेल के दिनों में एक विकेटकीपर बल्लेबाज थे। वह 1987 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। पंडित भारतीय टीम के लिए इतने सफल नहीं रहे। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 5 टेस्ट और 36 वनडे मैच खेले। हालांकि वह एक कोच के रूप में वास्तव में सफल रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में कई टीमों को कोचिंग देते हुए कई रणजी ट्रॉफियां जीती हैं, जैसे कि मुंबई क्रिकेट टीम और 2018 और 2019 में विदर्भ टीम को बैक टू बैक खिताब के लिए मार्गदर्शन करना। और अब हाल ही में उन्होंने अपनी पूर्व टीम मध्य प्रदेश की मदद की। यह पहली बार होगा जब अनुभवी क्रिकेटर को कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी T20 फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने का काम दिया गया है जिन्होंने 2 बार IPL जीता है। यह निश्चित रूप से आसान काम नहीं होगा, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड साबित करते हैं कि वह अच्छा कर सकते थे। पंडित ने न केवल टीमों के साथ ट्रॉफियां जीती हैं, बल्कि उन्होंने उस टीम का एक मजबूत कोर बनाया है जिसे उन्होंने अपने करियर में प्रबंधित किया है। यह निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा काम है, लेकिन अपने सभी अनुभव के साथ KKR को उम्मीद है कि वह टीम को जीत के लिए मार्गदर्शन करने और अगली पीढ़ी का निर्माण करने में सक्षम होंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों इस खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव क्रिकेट वीडियोज़ ला सकें। धन्यवाद।